चलिए दिखाती हूँ बेसन की बर्फी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय जगन्नाथ। स्वागत करती हूँ मैं मीनोती, मेरी यूट्यूब चैनल मीनोती फूड चैनल को। देखिए, मैंने कोकोनट और बेसन का बर्फी बनाने के लिए एक कटोरी बेसन, आधे से ज़्यादा कटोरी सूखा नारियल का पाउडर, एक कटोरी चीनी, एक कटोरी ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा देसी घी लिया। पहले मैंने गैस ऑन करके फ्रांग पैन बैठा के उसमें बेसन को डाल दिया। अभी इस बेसन को लो फ्लेम में ही धीरे धीरे हमें उसको फ्राई करना है, क्योंकि इसका जो कच्चापन है वो नहीं रहेगा, वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा और एक अच्छा सा खुशबू आएगा। धीरे धीरे हमें इसको कंटिन्यूस इसको चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से लग जाएगा। आप अगर और किसी भी पैन में इसको फ्राई करना चाहते हैं या कढ़ाई में फ्राई करना चाहते हैं तो पहले थोड़ा घी ले लीजिए, लेकिन मैंने ये नॉनस्टिक लिया इसलिए मैंने अभी घी नहीं लिया। इसको अच्छी तरह से हमने उसको फ्राई करना है, जैसे कि इसका गोल्डन कलर आ जाएगा और इसमें कुछ भी गुठली जैसे नहीं रहेगा। अभी थोड़ा फ्राई हो गया है, अभी हमने जो सूखा नारियल का पाउडर था, मैंने घर में ही बनाया था, उसको मैंने इसमें डाल दिया। आप बाज़ार से जो कोकोनट ड्राई पाउडर मिलता है उसको लाने से हो जाएगा, इसमें सूखा नारियल का पाउडर ही जाएगा और दोनों को मिक्स करके हमें और थोड़े देर फ्राई करना है, जैसे कि उसका कच्चापन नहीं रहेगा और स्लो फ्लेम में ही हमें इसको फ्राई करना है और इसका जैसे एक अच्छा सा खुशबू आ जाएगा तभी तक हमें इसको गोल्डन ब्राउन कलर के साथ कलर होने तक उसको फ्राई करना है। जब तक इसमें एक अच्छा खुशबू आ जाएगा तभी तक हमें इसको कंटिन्यूस चलाता रहना होगा। देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से अभी फ्राई कर लिया है, मैंने अभी इसमें घी नहीं डाला, लास्ट में मैंने इसमें घी डालूँगी। अभी इसको सिर्फ फ्राई ही करना है, दोनों को, बेसन और कोकोनट को या नारियल को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगेगा एक लाइक करने को भूलना मत, और आपका फ्रेंड्स को इसको शेयर करने को भूलना मत। आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। देखिए, मैंने उस फ्राइंग पैन को ही गैस में बैठा लिया, अभी मैंने एक कटोरी चीनी उसमें डाल दिया और आधा कटोरी पानी डाला चाशनी के लिए और उसको अच्छी तरह से हमें अभी मिक्स करना है, जैसे चाशनी अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए और मिक्स हो जाए उस समय तक हमें उसको मिलाना है, जैसे इसका आकार गाढ़ा हो जाए। देखिए, अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स करना है, नहीं तो चीनी नीचे से लग जाएगा। आप इस तरह से इसको मिक्स करना है, आस्ते आस्ते ये मेल्ट हो जाएगा और चाशनी बन जाएगा। देखिए, और थोड़ी देर इसको पकाने के बाद ये चाशनी बन जाएगा। जब तक ये चाशनी बन न जाए या इसका कलर
सॉरी इसका आकर गाढ़ा ना हो जाए उस समय तक हमें इसको मिक्स करना है। और जब ये हो जाएगा चाशनी उस समय हमें गैस बंद करके जो कोकोनट और बेसन का फ्राई था उसको हमें इसमें डालना है, धीरे धीरे डालना है। देखिए वो अभी चाशनी हो गया है, गाढ़ा हो गया है, अभी हमें इसमें जो फ्राई किया हुआ बेसन और कोकोनट का मिश्रण को इसमें डालना है धीरे धीरे, जिससे गांठ ना रह जाए या गुठली ना रह जाए। उस समय तक धीरे 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 थोड़े थोड़े करके हमें इसमें इसको डालना है, जैसे कि ये चाशनी के साथ मिक्स हो जाए और इसका एक शेप आ जाएगा। उस समय तक उसको हमें इसमें धीरे 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 मिक्स करना है। देखिए धीरे धीरे मैंने मिश्रण को इसमें डाल दिया, बेसन और कोकोनट को। देखिए अगर अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स करना है, नहीं तो इसमें गुठली रह जाएगा। देखिए अच्छी तरह से मैंने आपको मिक्स करा के दिखाती हूँ। और इसको जैसे वो गर्म होगा उस समय ही आप इसको उसका शेप देना है। देखिए लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा ही घी इसमें डाल दिया, जैसे कि 2-3 स्पून घी हमने इसमें डालना है। गैस बंद करके ही डालना है हमें। देखिए ये अच्छी तरह से बन गया है, कढ़ाई में नीचे से ही ये उसका जो मिश्रण है वो छोड़ गया है। आप देख लीजिए उसमें कुछ भी लगा नहीं है। अभी इसको हमें एक प्लेट में डालना है, क्योंकि अगर ठंडा हो जाएगा तो शेप नहीं होगा और कटेगा भी नहीं। देखिए मैंने उसको एक प्लेट में डाल दिया और उसको शेप दे दिया। ये धीरे धीरे बैठ जाएगा और इसका बर्फी बन जाएगा। और ऊपर से जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया था उसको ऊपर से डाल दिया। और अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लिया हाथ से ही, ऐसे धीरे धीरे उसको दबा के। और देखिए ऐसे शेप मैंने दे दिया। और अभी हमें इसको काटना है, उसको जैसे साइज़ का काटना है आप उस शेप में आप काट सकते हैं। मैंने अभी इसको ऐसे ही काट दूंगी, क्योंकि नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो ये कटेगा नहीं। इस तरह से मैंने चाकू से काट लिया। देखिए आप भी ऐसे काट सकते हैं। और जैसे ठंड हो जाए या थोड़ा गर्म भी रहेगा होगा तब भी आप उसको खा सकते हैं। देखिए मैंने आपको दिखाती हूँ बाद में कैसे हुआ था, ये थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं। मैं इसको दिखा रही हूँ आपको एक पीस। देखिए इस तरह से ये बन गया है हमारा बेसन का बर्फी। आप अगर घर में करना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में रख के भी खा सकते हैं।